ज़्यादा भी नहीं है मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए, फिर मैं सोचा पैक कर लेता हूँ चार एक्सरसाइज, तो अपना ये कि दिल खराब नहीं होगा, तो इसलिए आज बैक चल रही है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज का सेशन रहा है पैक का, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं कर पाऊँगा, क्योंकि होता क्या है कि जब आप घर से एक्सरसाइज के लिए निकल रहे किसी भी काम के लिए निकल रहे फिर इतनी हो गया यार ये हो गया वो हो गया, तो माइंड है ना थोड़ा सा चेंज होने लगता है कि जाऊँगा जाऊँ जाऊँगा, ऐसे मेरे साथ हो चुका 40-45 मिनट सिर्फ एक्सरसाइज के लिए कार्डियो वगैरह, तो बहुत बढ़िया रहता ना कुछ चीज़ जाओ कुछ और होता कुछ है, तो मेरे साथ वही हुआ, मैं आना नहीं चाह रहा था फिर भी मैं आया और बहुत बढ़िया रहा मेरा पूरा एक दिन, मुझे लग रहा था कि मैं आज अगर एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मेरे को सैटरडे संडे फ्राइडे संडे सुबह शाम करनी पड़ेगी, क्योंकि छूट जाएगी। पनीर आ गया आपका, पनीर चिप्स, वाह मौज आ गई भाई, पनीर खाओगे ना, सुबह कहते थे पापा पनीर लेके आना, पापा ले आए, और मोटी मोटी हंस के दिखा देगा नहीं ऐसे एक प्रिंस, अगर चिप्स चाहिए तो मुझे हंस के दिखा दे, पहले हंस के दिखा अब मैं जो भी चीज लाता हूँ ना अगर मैं दूर लाता हूँ, एक तो मैडम है एक सर जी है, अब सर का कैसी है ना, सर को सब कुछ खाना है और मैडम अपनी चीज देती नहीं जल्दी से, तो अब सर का चिप्स का पैकेट अलग रहा है, फूल का अलग रहा है, वो खेल रहा है आवाज आती है ना पन्नी में, तो खेलता रहता है वाली। मैं जिम करके आया हूँ, आज क्या खिलवाएगी पूरी छोले उसका खिलवा दे, ब्राउन ब्रेड कौन लाया, मैं तो लाया नहीं था, अच्छा और पीनट बटर के साथ, सुन ऐसा कर इतना हेल्दी भी नहीं खाना, दोस्त तो मुझे वैसे खिलाती है क्या कहते हैं पराठे वराठे, अब एकदम ही पीनट बटर तो आदि मतलब उसका चटपटा मुंह कर रखा है, फिर एकदम ही उसके मुंह में कुछ मत दो है ना, ना नमक ना कुछ, वाह कौन सी साइंस पढ़ी है तुम, क्या कहते हैं तुम उसकी आज ही ना हम बात पे पनीर के पराठे खा लो, पनीर के पराठे बन रहे आज हैं, ये दाल वाला आटा माना है, सही है बहुत बढ़िया, ये हाल है जी हमारे घर के, मेरी ब्राउन ब्रेड और वो थोड़ी पीनट बटर, मैंने पता नहीं कौन ले आया पीनट बटर तो है ब्राउन ब्रेड, तो ली मजाक कर रही थी हेल्दी फूड कह रहा था ना मैं लास्ट ब्लॉग में, अब पता चला पनीर के पराठे बना रही है, लगे पड़े नहीं मेज ठीक कराइए, क्या हाल है क्या कर रहा है, अलमारियां बन चुकी हैं फ्रेम बन चुके हैं, बिजली की फिटिंग हो रही है बॉर्डर करते हैं, यहाँ लाइटें लगे हैं, यहाँ ब्रेड लगना है, प्रिंसी की स्कूल की वैन आ चुकी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है, तैयार हो गई कितनी अच्छे से तैयार हो गए, आज बैग नहीं लेके जाना, बाय प्रिंसी बेटा, अच्छे से करना परफॉर्मेंस है ना, ठीक है हाँ, चल दी मेरी गुड़िया वैन वाले भैया की आवाज आती है, तैयार हो जाती है, चंदी मैडम बाय प्रिंसी, बाय प्रिंसी, बाय प्रिंसी, ठीक है बैठा छोटू, अरे भाई कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, वाओ
बाय बाय, अच्छे से करना परफॉर्मेंस, ठीक है, बाय। इतनी तेज बारिश आ रही है, इतनी तेज बारिश आ रही है, अभी तक धूप निकली हुई थी 10 मिनट पहले तक, तो इतनी तेज बारिश हुई कि हम लोग डर गए, पता नहीं क्या हुआ। ऊपर का गेट है ना ये मुर्गी वाला, ये बजने लगा है, खुला हुआ था, हवा की तेज चल रही है बहुत तेज, इतनी तेज बारिश। रिंकी नहा लो जाओ, तुम मैं खड़ा हूँ यहाँ, जाओ जाओ, इतनी तेज बारिश है, कुछ नहीं दिख रहा पीछे का भी, बहुत तेज बारिश लगी हुई एकदम, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, एकदम ही मौसम चेंज हुआ और बारिश भी हुई। हमारे नीचे वाले फ्लोर पे तो खड़ा भी नहीं जा रहा, क्योंकि जो बारिश है ना वो गेट की तरफ है, वो गेट खुल ही नहीं पा रहा, बंद हो रहा है बार बार, तो ये डर के खड़ी है। मैं कह रहा हूँ नहा लो, कर लो, नहीं नहीं जाओ, नहीं नहा रहा, आप नहा लो, जल्दी छतरी लेके नहाने, नहाने कौन जाता है छतरी लेके, छतरी लेके कौन नहाने जाता है, ये मसूरी की छतरी यहाँ चल रही है ना, सही है, जाओ चलो जाओ, अच्छा घूम के आओ वहां तक आगे तक, हाँ ऐसी पकड़ के जाओ, डर भैया इसका डर तो निकालना पड़ेगा ना मुझे बारिश से, जाओ जाओ छत पे जाओ, जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ बेटा। अभी इतनी तेज बारिश आ रही थी और 10 मिनट बारिश पड़ी है, बंद हो गया देखो सब कहा, बंद हो गया देखो सब कहा, तो इनसे तो छतरी लेके आई कि मैं यहाँ पर घूमूंगी, थोड़ी देर घूमी फिर बारिश बंद हो गई, नॉर्मल हो गया सब, एकदम बढ़िया हो गया वेदर, हवा बहुत बढ़िया चल रही है। देखो जिस लड़की को पतंग उड़ा दी है, घेर दी नीचे, घेर दी घेर दी घेर दी, मेरी बेटी को पतंग उड़ानी है, सुबह से सर में दर्द कर रखा था कि पापा पतंग काइट काइट काइट, अभी ले गया हूँ, लो लो पकड़ो काइट पकड़ो, ये उड़ रही हमारी काइट जी, पापा जी दे दो, लो ला, ला। ये उड़ा रही, अभी नीचे गिर देगी, ये उड़ा रही काइट, इंदी वाह तुम तो बहुत अच्छी उड़ा रही हो, वेरी गुड, उड़ाओ ऐसी उड़ाओ ऐसी उड़ाओ, हमारी तो पतंग कट गई जी, वो गिर गई नीचे, बताओ नुकसान हो गया, तो जी हमारी काइट कट गई, देखो कैसे आई चढ़ गए, वहां गई बेटा, वो बहुत दूर गई, हमारी काइट तो वहां पर चली गई प्रिंस जी, कल सुबह नई काइट लाएंगे फिर उड़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, हाँ ये अपना ये मंजा खेच लो, गिर जाओगी इसके ऊपर से, दरा जाओ, अब कल सुबह उड़ाएंगे, ठीक है ना, बताओ इसके चक्कर में मैं भी पहले उचका भरवा के लाया, सुबह से मेरे पीछे पड़ रही थी कि पापा काइट काइट काइट, बताओ काइट कट गई तो मेरे को गुस्सा हो रही है, कह रही आपने कटवाई है, देखो मुंह बनाती हुई आ रही है नीचे गुस्से में, भाई मेरी क्या गलती है कट गई तो, अच्छा मेरी गलती है, मम्मी से शिकायत करी थी, मतलब ये तो बात कोई ना होती है ऐसे, भाई पीछे से एक पतंग है वो काट के चली गई हमारी, हमें क्या पता चला, भाई लड़ी के गिरे सुबह कटा, मेरी गलती थी। आज है जी 14 अगस्त, मैर प्रिंस जा रहे हैं फ्लैग लेने, तो कैसे बैठी भाई की, मैं भी नहा चुका हूँ, ये भी नहा चुकी है, आज हमारा लेट हुआ थोड़ा नहाना, चलो शाम को चलो चले फ्लैग लेने, चलो फाइनली हमने फ्लैग ले लिया है, इन दुकानों से लिया है, ये दुकान है, और प्रिंसी के लिए यहाँ से मोमोज भी पैक करवा लिए, तो मोमोज बहुत पसंद है ना, फ्लैग ले लिया हमने है ना, कितनी खुश हो रही है, खड़ी लेके मैडम चलो छत पे लगाएंगे, चलो 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 चलती प्रिंसी,
फाइनली लगा दिया झंडा। आज 14 अगस्त है, मोदी जी ने बोला 13 से 15 तक लगाना, हम लोग लगा नहीं पाए, है ना। मैंने लाया था